अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। मैं हूं वसीम अकरम और आपको खुशामदीद कहता हूं बी स्पोर्ट्स पे। ये समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी न्यू मैं करने जा रहा हूं। इसी तरह हर हफ्ते हर सब्जेक्ट पे बोलेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे जो मेरे एक्सपीरियंस जिंदगी के हैं या अभी भी कर रहा हूं मैं, जो कर चुका हूं जब मैं नया नया टीम में आया था। कंसिस्टेंसी क्या होती है और इम्पोर्टेंट जो इस पर्टिकुलर सेशन जो मैं कर रहा हूँ, जो इसकी जो जो मतलब है कि गुड थिंग्स डोंट कम इजी। मतलब कि जिंदगी में अगर सक्सेस चाहिए तो वो आसानी से नहीं मिलेगी। देयर नो शॉर्टकट्स। तुक्का लग जाता है वंस इन अ वाइल, बट वो तुक्का आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं लगा सकते उसको। और ये सब्जेक्ट मेरी जिंदगी का मंत्र रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, अभी भी रहा है। आई एम ऑलमोस्ट 54, आई बीन रिटायर्ड अबाउट 16-17 साल से रिटायर हो गया हूँ। आई एम स्टिल वेरी मच अराउंड इन द मीडिया, इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, बिकॉज आई वर्क ऑन इट। आई वॉन्ट्स टू थ्राइव, आई वॉन्ट टू बी बेटर, आई वॉन्ट टू लर्न एवरी डे, आई वॉन्ट टू इवॉल्व एवरी डे। और बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिल सकता हमारे। सबसे पहले तो ऑफकोर्स रमजान मुबारक सबको। आई होप आप स्टे घर में हैं, सेफ हैं, बिकॉज इन दीज टेस्टिंग टाइम्स थिंग्स कैन चेंज। बिजनेसेस हैव ऑब्वियसली गॉन डाउन। डेली वेजेस को प्रॉब्लम हो रही है, बिग बिग बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज नोबडी इज आउट एंड अबाउट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। एंड याद रखिएगा, ग्रेटनेस डजंट कम ईजी, आसानी से नहीं आती किसी भी फील्ड में। क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, स्पोर्ट्स ले लें, आप बिजनेस ले लें, आप अपना रेस्टोरेंट ले लें, एवरीथिंग, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको अपनी देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जब मैं पाकिस्तान टीम में आया पहली दफा, आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, जिंदगी में पाकिस्तान से बाहर नहीं था गया। ज्यादा से ज्यादा लंबी जो मेरी दौड़ थी कराची आया था एक दो दफा, वो भी अंडर 19 पैकों के साथ। सो जब मैं न्यूजीलैंड जहाज पे बैठा पहली दफा, आई थिंक मुझे याद नहीं कौन सी एयरलाइन थी, प्रॉबली PI थी फ्रॉम हेयर ट्रिप बैंकॉक और थाईलैंड और आई सपोज सिंगापुर। तो वहां से हम टुक अनदर फ्लाइट टू, आई थिंक वी लैंडेड इन क्राइस्ट चर्च इफ आई रिमेम्बर, या आई थिंक इट वाज क्राइस्ट चर्च। वहां गया, होटल बड़ा और मुझे रूममेट दे दिया गया। ऑब्वियसली मैं 17 साल का था, मुझे लिए हर चीज नई थी, हर चीज एक्साइटिंग थी। तो जाने से पहले फनी स्टोरी, मैंने जावेद मियांदाद से पूछा, हमारे कप्तान द ग्रेट जावेद मियांदाद, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी जिंदगी में। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा जावेद भाई वो कितने पैसे लेके जाने हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो वसीम, तुम लाख रुपया ले लो। मैं कहा लाख रुपया जावेद भाई, मेरा बाप तो मुझे उसके इतने पैसे कभी नहीं देगा, तो इसका मतलब मैं टूर पे नहीं जा सकता। तो स्टार्टेड लाफिंग, इसे नहीं नहीं वसीम, वहाँ पैसे मिलेंगे भी आपको पाकिस्तान से खेलने के। मैं कहा पैसे भी मिलते हैं क्रिकेट खेलने के, दैट्स इनक्रेडिबल। सो दिस वाज मी एज अ नाइव यंग किड हु नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड इन माय लाइफ। तो जब वहां पहुंचे तो ऑब्वियसली खाने का नहीं था पता, खाने हमें कबाब, नान, टिक्के, हलीम, नहारी, चने, जो चीजें नॉर्मल लाहौरी खाता है, जो मैं मजंग से था, मजंग नानी अम्मा के पास था, अपनी माँ के साथ बड़ा वहां हुआ, तो ये चीजें पता थी। तो वहां फिर जावेद भाई ने बड़ी हेल्प करी मुझे, उन्होंने बताया कि कांटा और चम्मच, कांटा और छुरी कैसे यूज करते हैं, किस हाथ से कांटा होता है, किस हाथ पे आपका चमचा होता है, नाइफ और फोक होता है। और फिर मैंने कहा खाना क्या है जावेद भाई, यहाँ पे तो कबाब नहीं मिलेगा। कहते यहाँ कबाब अब तो नहीं मिलेगा, 85 में न्यूजीलैंड में कहाँ कोई चीज ऐसी मिलनी थी। सो उन्होंने कहा स्टेक, मैंने कहा वो क्या होता है। उन्होंने कहा स्टेक ये देखो बीफ का, उन्होंने मंगाया, ऑर्डर किया बीफ का, इतना बड़ा सा थिक सा इतना बड़ा पीस आया और साथ में उसके सैलड आई और कुछ फ्रेंच फ्राइज आए। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ये ऐसे खाते हैं, फिर टबास्को इजाद हो गई, इजाद कर ली उन्होंने। जावेद भाई ने बताया कि ऊपर ये मिर्चें भी डालो, तो टबास्को की बोतल जेब में होती थी मेरे और इजाज के, जहां जा जाते थे उस पर डाला और शुरू हो गए। सो दिस वॉज माई स्टार्ट। तो पहले टूर के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल, यू प्लेइंग फॉर योर कंट्री, यू प्लेइंग अलोंग विद योर हीरोज, जावेद भाई के, इमरान भाई के, इनके सबके, जहीर अब्बास, मोहसिन खान, इन सबके पोस्टर्स मेरे नानी के, जो मेरा कमरा था छोटा सा माँ के साथ और बहन के साथ, वहां लगे होते थे। और मैं अपने ऑटोग्राफ साइन करता था, आई डोंट नो व्हाई, इन क्लास आई वाज 14-15 और दरवाजे पे वो ब्रश लेके, वो आदत जस्ट फॉर सम ऑड रीजन। सो मैं किस बैग कैसे हम्बल बैकग्राउंड से आया, ऑल दो वेंट टू वेरी गुड स्कूल, क्रेडिट टू माई स्कूल कैथीड्रल स्कूल लाहौर, जो कि मेरी बेसिस बड़ी अच्छी थी जिससे मैंने चीजें पिक कर दी। अगर आप कभी भी आर्काइव्स निकाल के देखें, 85 के टूर पे जब मैं मैन ऑफ द मैच हुआ, पहला मैन ऑफ द मैच हुआ, तो उसमें मेरी अंग्रेजी, मैंने कोशिश की बोलने की, पूरी कोशिश की, मगर थोड़ी बैकग्राउंड थी हल्की, वो थी ना, शर्माते थे हम, मतलब हिचकिचाहट थी,
कभी लोगों के साथ बात नहीं की। हमारे हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम था, एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश, ओनली उर्दू एंड इस्लामियात वाज इन उर्दू, बट स्कूल में हम बोलते नहीं थे, स्कूल में उर्दू ही बोलते थे, घर भी उर्दू ही बोलते थे, तो वो झिझक रहती है हमारे यहाँ। सो यू नो मैंने कोशिश तो की, और यू नो प्रॉब्लम ओवर द इयर्स पाकिस्तान टीम में जो मैंने नोट की क्या होती थी, वो ये होती थी कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी बिल्कुल, और जो बोलने की कोशिश करता था उसका मजाक उड़ाया जाता था, जिसको अंग्रेजी, जिनको अंग्रेजी नहीं थी आती, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कॉन्फिडेंस वो उनका मजाक उड़ता था, तो लड़के इसीलिए शर्माते थे। मगर मैंने कहा नहीं यार, अंग्रेजी भी सीख लिया मैंने अपने हीरो की तरह, इमरान भाई की तरह, मैंने जावेद भाई की तरह स्ट्रीट स्मार्टनेस भी सीखनी है, मैंने क्रिकेटिंग माइंड, मुदस्सर नजर जो बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे करियर में, इससे सीखना है। एजाज अहमद वॉज माई रूम में, एजाज अहमद उस स्टोर पे तो नहीं था बट इवेंचुअली आ गया, मेरा पहला रूममेट सलीम मलिक था, एंड ही वॉज अ बिग स्टार देन इन 85 बिकॉज उसने 82 में डेब्यू पे 100 भी किया हुआ था, ही वॉज अ मेन प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम, वो मेरा रूममेट था। कोई खास ऑन ऑफ द फील्ड इतनी हेल्प नहीं उनसे मिली मुझे, बट मेरा जो एक एम था ना कि मैंने सीखना है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे मिनी वर्ल्ड कप के लिए, और वहां में मेरा ग्रेट इमरान खान को एयरपोर्ट, सिडनी एयरपोर्ट पे वो आए, उनसे मुझे एकदम कहा वसीम बड़ी अच्छी बॉलिंग किया तुमने, यू नो मेरा दिल इतना बड़ा कि इनको मेरा नाम भी पता है, मैं वो टेस्ट मैच में 10 आउट कर चुका था, एंड दैट वाज इट। एंड उसके बाद आई थिंक हमारा दूसरा मैच न्यूजीलैंड से था, मैंने बेग यू पार्डन ऑस्ट्रेलिया से था, वहां मैंने 5 आउट किए, पहले के पहले टॉप के टॉप 5, मुझे उनमें 3 बैट्समैन के नाम ही नहीं था पता, मुझे 2 के नाम पता थे, वो थे किम ह्यूज और एलन बॉर्डर, बाकी टॉप टीम डीन जोन्स, रॉबी कर, कैपल वेसल्स, इनका नाम नहीं था पता। आई वाज जस्ट अ guy from Mazang who just happened to be playing cricket for Pakistan. I've got a lucky break. You know, मुझे लोग शुरू में इमरान भाई, जावेद भाई, ये प्रेस सारे बड़ा कहते थे कि यार ये बड़ा टैलेंटेड है, तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया इनसे, मैंने कहा ये इसका मतलब क्या है कि मैं टैलेंटेड हूँ, कह रहे इसका मतलब है कि तुम में टैलेंट है, तुम डिफरेंट हो, तुम्हारा क्विक आर्म एक्शन है, और जब तुम आके बॉल करते हो बैट्समैन की एक्सपेक्टेशन से तेज के पढ़ के तेज निकलता है, तो ये तुम में टैलेंट है। तो मैंने कहा ये टैलेंट तो है इमरान भाई और जावेद भाई, मगर ये टैलेंट मैं कैसे 20 साल में, आई वांट टू प्ले पाकिस्तान फॉर 20 इयर्स, आई डोंट वांट टू बी वन टूर वंडर, मींस के एक टूर पे जाओ उसके बाद परफॉर्मेंस करो उसके बाद लड़का गायब, आई डोंट वांट टू बी दैट। उन्होंने कहा बेटा इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एवरी डे आपको इवॉल्व होना पड़ेगा एज अ क्रिकेटर, क्रिकेट देखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, दैट वॉज सो सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और यू नो ये मैं जब मैं नया नया टीम में आया था, बिल्कुल पहले 2-3 साल तो मेरा बॉल तो मुझे पता था कि मैंने ऑफ स्टंप पे आके गेंद मारना है, वहां अंदर आ गया तो अंदर आ गया, बाहर निकल गया तो बाहर निकल गया, पता नहीं था कि आउट स्विंग इन स्विंग क्या होती है, नेचुरल अंदर आता था। यू नो सो फिर मैं इमरान भाई से क्वेश्चन, मैं जावेद भाई से क्वेश्चन, गाइज रिमेंबर डोंट शाई नहीं होना क्वेश्चन पूछने से, आस्क क्वेश्चन व्हेनेवर यू कैन, प्रेपरेशन के साथ क्वेश्चन, आई मीन सेंसिबल क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सारे जवाब देंगे। सो उस ऑस्ट्रेलिया टूर पे 5 आउट किए, फिर इमरान भाई के बाद यू नो ही बिकेम कैप्टन, देन व्हेनेवर ही वेंट ही टुक मी ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, और मैं किसी पार्टी में गए मुझे फोन आ जाता वैज आ जाओ चले पार्टी पे, मैं ठक तैयार करके सीधा उनके घर जमान पाक उनको पिक किया और चले गए वहां, लोगों से मिलवाया उन्होंने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और वेस्ट इंडीज में, अरे वेस्ट इंडीज में गयाना में 88 में उनका एक दोस्त था, उसके उसका अपना एक आइलैंड था गयाना कम्स इन साउथ अमेरिका, तो कहते हैं चलो चलते हैं एक दिन के, पूरे दिन के लिए डे ऑफ था, तो मुझे और इजाज को वो ले गए साथ, हम तीनों इजाज को मुझे मुझे लेके जा रहे थे, मैं कहा मैं कल्ला इमरान भाई ना बोर रहा हो जाऊँ यार दिल में मैं ये सोचा, उनके साथ बोर तो हो नहीं सकते, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ही हैड, बट आई वाज ये वो इमरान खान थे, मैं नया नया आया था, तो इजाज को मेरे का स्किपर इजाज को बुला लेने का, हाँ बुला लो, तो वहां से गए जीप आई, उसके दोस्त ने उठाया हमें जीप पे, वहां से छोटा सा यू नो एयरपोर्ट, प्राइवेट एयरपोर्ट पे गए, एक छोटा सा प्लेन करा था, देयर वाज नो पायलट, मैंने कहा करेंगे क्या अब, उन्होंने कहा ऐसा करो, उन्होंने कहा ये दोस्त मेरे का प्लेन है ये उड़ाएगा, मैंने कहा स्किपर देख लेना, कह रहे नहीं घबराओ नहीं चलो, तो हम तीनों को उन्होंने बिठाया, उसके दोस्त ने वहां से हम उड़े, 45 मिनट लैंड किया इन मिडल ऑफ साउथ अमेरिका, आई थिंक लॉगिंग काइंड ऑफ कंट्री थी वो, जहाँ पे लॉगिंग बड़ी होती थी, और जो वाटर था अराउंड द आइलैंड सारा वो साउथ अमेरिका जैसा था ना, पानी सारा ब्लैक था, बिकॉज द लीव्स अंडरनीथ ओवर द ईयर्स पढ़ पढ़ के वो इट लुक लाइक अ पेप्सी की तरह वो लग रहा था वो पानी, मगर आप उसको पिक करो क्रिस्टल क्लियर था।
सुमरान भाई तो जाके दोस्त के साथ रिलैक्स हो गए, उधर गप्पे शप्पे लगाने चले गए, मैं और इजाज़। फिर वहां से हमने बोट ली उनके दोस्त की, उसके उनको उसका ऑब्वियसली ड्राइवर था, मिड हमने दरियाओं में घूमे, उसने हमें एनिमल्स दिखाए। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड दैट ऑफ कोर्स क्रेडिट टू इमरान भाई के, उन्होंने मुझे इतनी चीजें दिखाने को मिली। बट इन जनरल आजकल के टेस्टिंग टाइम्स में जब आप ये इतनी चीजें हो रही हैं, बिजनेसेस भी डाउन हो रहे हैं, तो कैसे इवॉल्व किया जाए? इवॉल्व है कि स्टे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हैं? लॉट ऑफ पीपल से इफ यू फिजिकली, इफ यू मेंटली फिट, यू आर फिजिकली फिट। आई डोंट एग्री विद इट। इफ यू आर फिजिकली फिट, यू आर मेंटली फिट। अगर आप बॉडी वाइज आप ठीक हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, आपका ब्लड हर जगह जा रहा है, वो एक्सरसाइज से आता है, वो वॉकिंग से आता है, पागलों की तरह नहीं करनी, बट जिस तरीके से एज है उस तरीके से करो। अब मैं तो ऐसा बंदा हूं जो एक चीज मैं ठान लूं कि मैंने ये करनी है, तो मैं वो करके गुजरता हूं। दिस इज माई इन विदिन मी। ये नेचुरल नहीं थी, ये आदत मैंने बनाई है। मेरा एम है कि मैंने वजन कम करना है इस पेंडेमिक में। अब अप्रैल की मंथ की जो मेरी ऐप है उसमें अप्रैल क्या मैं पूरा अप्रैल पिछला महीना मैंने 180 miles कार्डियो किया है। 180 miles, दैट ऑलमोस्ट 260 kilometers आई डिड। माई लेग्स आर सोर ऑब्वियसली, बट मैं छुट्टी एक भी नहीं की, छुट्टी एक भी नहीं की। एवरी मॉर्निंग एट 6 आई एम अप एंड आई एम आउट, बिकॉज सड़कों पे कोई नहीं होता, देयर इज नो वन देयर, एंड स्पेशली रमजान में। एंड बिफोर अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि आपका रोजा, मैं रोजा नहीं रख सकता बिकॉज आई एम अ डायबेटिक फॉर 23 years। आई हैव टू हैव इंसुलिन 4 jabs a day, एंड अनफॉर्चुनेटली इस नेमत से मैं महरूम हूँ। बट कोशिश करता हूँ कि अगर मैं मेरे मैं ऑब्वियसली मैं ना रखूँ, मैं रख नहीं सकता, तो मेरे जो इर्द गिर्द सारे हैं, मेरे घर में, मेरा स्टाफ, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, होम रिमेंबर दैट, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, उनके लिए मैं सब कुछ कर सकूं ताकि वो रोजे रख सके। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ने के लिए जिंदगी में क्या जरूरी है? अपने आप बैठे बिठाए आपको कोई वो कहते हैं ना कि अल्लाह आपको रिस्क देगा, इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर से पराठे और अंडों की बारिश होगी। इसका मतलब है कि आप मेहनत करेंगे, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। दैट्स व्हाट इट मींस। घर बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट्स इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील सैड एट टाइम्स व्हेन आई सी यंगस्टर्स। आई मीन आजकल तो डिफरेंट है, रमजान है। फैजान का क्वेश्चन आया, मैं कम बैक टू फैजान। व्हाट्स टू वसीम भाई, व्हाट्स कीप्स यू गोइंग? फैजान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट कीप्स मी गोइंग? इट्स द विल दैट आई वांट टू डू वेल, दैट आई वांट टू सक्सीड। इफ आई एम अ कमेंटेटर, आई वांट टू आई वांट टू बी द बेस्ट, बिकॉज इन अ वे अपना पूरा होमवर्क किया हो, हर चीज का मुझे पता हो, टाइम से पहुंचूं, आई शुड लुक द पार्ट। टाई वाई ये वो शेव वेव करके बाल बाल बने हो, इट्स अ हार्ड वर्क बट इट्स अ हैबिट। अब मेरी हैबिट है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 50 दिन हो गए आइसोलेशन में हम सबको, मुझे भी। एंड आई वेक अप एट 6 एवरी मॉर्निंग, आई गो टू बेड एट 10:30, 11। मैंने अपनी रूटीन चेंज नहीं की, ठीक है। ड्यूरिंग अ डे एक ऐसा पीरियड आता है कि जब आप सोचते हो यार अब उन की करा, वट टू डू नाउ, बट दैट्स वेयर आई सपोज यू गेट समथिंग, रीड समथिंग, वॉच समथिंग। And I very rarely watch, unfortunately or fortunately, I very rarely watch Pakistan television, because to me, for me, I don't learn anything from it. If I learn anything from it, it's most negativity, and I don't want negativity in my life. I'm a positive person. I believe in brighter future. I believe ke har koi mehnat kare, har koi aage jaye. The bada important quote hai, it's not the stress that kills you. It is a reaction to it. स्ट्रेस नहीं करता हमें, मारता नहीं है, जो उसका रिएक्शन हम देते हैं वो हमें सफर करता है। देखो, प्रॉब्लम हर एक को होती है, एवरीवन गोस थ्रू स्ट्रगल्स। इन मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों की अपनी है, बिजनेसमैन की अपनी है, स्टूडेंट्स की आजकल अपनी है, बट हाउ टू टैकल इट, हाउ टू सॉल्व इट, एंड माइंड में कंपार्टमेंट्स बनाने चाहिए, होने चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रही, इल गो बैक ऑफ माई माइंड एंड देन आई कम बैक टू इट टुमारो और डे आफ्टर। दिस नो पॉइंट स्लीपिंग विद दैट प्रॉब्लम के नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे हो, मुंह खुश्क हो रहे हो, यू डोंट वांट दैट। यू वांट इट, लेट इट रेस्ट फॉर अ डे, गो बैक ऑन द बोर्ड, सिट डाउन, इवेल्युएट,
अवैस बेग का क्वेश्चन आया है कि देर आर डेज व्हेन यू कांट पुश योरसेल्फ, हाउ डज द माइंड ओवर मैटर्स कम देयर, हाउ डज वन पुशेस देम. या अगेन, माइंड इज अ काइंड ऑफ अ मसल दैट यू कैन यूज टू इट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा कम खाओ, कार्ब्स कम खाओ, कार्ब्स आर वेरी एडिक्टिव एज यू गाइस नो. इफ यू डोंट ईट रोटी चावल, लगता है खाने नहीं खाया. सो अगर आप ना, इवेंचुअली आप एक महीना थोड़ा सा माइंड को ट्रिक दो. क्या ट्रिक करोगे आप? अब ये करोगे कि आप खाने से पहले पेरेंट्स को कहोगे, माँ को कहोगे, मुझे स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बना दो. हल्का सा ऑलिव ऑयल के साथ गार्लिक डाल के स्टर फ्राई करके एक छोटा सा बोल बना लिया. वो हर मील से पहले आपने खा लिया, फाइव कपल ऑफ मिनट्स बिफोर, एंड देन सिट फॉर अ मील. फिर आप कम खाओगे. आफ्टर अबाउट 2-3 वीक्स और इवन अ मंथ, आप जब वो वेजिटेबल्स के बगैर मेन भूख लगी हुई खाने बैठोगे, आप ऑटोमेटिकली कम खाओगे कि माइंड एक्सेप्ट कर चुका हुआ है कि मैंने इतना ही खाना खाना है. सो जब दिल ना कर रहा हो, ग्रेट इमरान खान ने मुझे कोट बताया था शुरू में ही कि जब थके हो, जब बॉलिंग पे दिल ना कर रहा हो, तब बॉलिंग करो. तब आपके बॉलिंग मसल्स और स्ट्रांग होंगे, आपकी पेस बढ़ेगी. बिकॉज चैंपियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, चैंपियंस जो होते हैं, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ईजी ऑप्शन और द डिफिकल्ट ऑप्शन, व्हाट पुस चैंपियंस डू, they'll pick the difficult option. Remember that. आसान option तो कोई भी ले सकता है, मुश्किल option लेनी चाहिए. अब हमारे Prime Minister को देख लिए, मैंने उनके साथ 10 साल गुजारे हैं. This is on the field, every day, day in, day out. Very determined, very focused. If you remember, 22 साल पहले जब वो commentary, जब वो politics में आए, people made fun of him. Imran Khan, जो किसी से बात नहीं करता, हाथ नहीं मिलाता, because he was shy, he says he was shy. जब बड़ा बड़ा मजाक उड़ाया पॉलिटिशियंस ने, उड़ाया दोस्तों यारों ने, उड़ाया एवरीवन, व्हाट आर यू डूइंग इन पॉलिटिक्स, लेट्स नो योर कप ऑफ टी एंड व्हाटएवर. उनकी जो एक्सक्यूज, उनकी जो रीजन थी, वो रीजन फेयर इनफ थी. उनकी रीजन थी कि वो अपने आम मुल्क के आम बंदे की खिदमत करना चाहते हैं, उनको पिस्ता हुआ नहीं देखना चाहते. वो अपने हर एक का अपना अपना व्यू होता है, बट दैट वाज हिज व्यू. 22 साल बाद, 22 इयर्स ही वाज एट इट. It was difficult going to places, sleeping on the charpais, going to little towns, speaking to people every day. The man who was so shy, eventually he had to talk to people, he had to live with people, and look, after 22 years, perseverance is there. Another question from Kamal Khan: how do you beat negativity in the journey of success? Hard work, a lot of people bring you down. How to face that challenge? Very, very important question. किसी की life की भी journey में, यू नो, उसको मेरी तरह लो, उसको चैलेंज लो, उससे मोटिवेट हो, उससे गिरो नहीं. सोचो कि दीज नेगेटिव गाइज वॉन्ट टू ब्रिंग मी डाउन, आई डोंट वॉन्ट टू गो डाउन ऑन देयर टर्म्स, आई वॉन्ट टू गो डाउन ऑन माई टर्म्स. सो यू नो माई टर्म्स, उसको उससे मोटिवेट हो, उससे अंदर की आग जो है वो निकलनी चाहिए आप लोगों की. जब कोई नेगेटिव किया या आपसे कोई नेगेटिव बात करे, या रिमेंबर, बड़ी गलतियां की हैं, एवरीबडी मेक मिस्टेक्स, आई डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स. अगर मुझे दोबारा टाइम मिले जाने का, तो मैं क्या सीखूंगा, सीख के मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा. गलती ये दोहराऊंगा कि पिक योर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली. ओके, ऑब्वियसली बचपन के दोस्त तो बचपन के होते हैं, वो पिक नहीं कर सकते. बट ऑन द वे व्हेन यू मेक फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स यू कांट मेक फ्रेंड्स कि तुम सक्सेसफुल हो और तुम नहीं सक्सेसफुल, दैट डजंट मैटर. प्रिंसिपल्स, आपके दोस्तों के प्रिंसिपल कैसे हैं, ऑर्गेनाइज हैं या दोपहर के 4 बजे उठते हैं? जब दोपहर के 4 बजे उठेंगे तो आपको क्या मोटिवेट करेंगे? आपके दोस्तों को आपको मोटिवेट करना चाहिए, और आप वाइस वर्सा, आपको मोटिवेट आपने दोस्तों को करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए. भाई सो लो, जितना भी सोना है, सोने में क्या बुराई है, बट एवरेज ह्यूमन बीइंग को 6 से 7, टॉप्स 8 घंटे चाहिए. इससे ज्यादा सोगे तो क्या करोगे? सो दैट्स व्हाट माय प्रॉब्लम इज. अनदर क्वेश्चन है उमर सदीक. वसीम भाई, हाउ टू बी पॉजिटिव कम्प्लीटली? यार देखो, फेजेस आते हैं उमर, सब पे फेजेस आते हैं, मेरे पे भी आता है. मैं भी कई दफ़ा डिप्रेस हो जाता हूँ जब ये यू नो नेगेटिव चीज़ें सुनता हूँ अपने बारे में. मुझे 17 साल पहले रिटायर हुए, 2003 में रिटायर था. अभी तक लोग मेरा नाम लेते हैं और मेरे नाम पे अपनी दुकान चमकाते हैं. ये नेगेटिव मुझे आता है, बट आई इग्नोर इट. मैं उस चीज़ को माइंड के पीछे डाल लेता हूँ, कंपार्टमेंट में. जब दोबारा आएगी तो आई सॉल्व इट, आई थिंक ऑफ इट. और यू नो नेगेटिव पीपल के लिए मेरी जिंदगी में ना कभी टाइम था, ना कभी टाइम होगा. सो आई वेरी रेयरली सोशलाइज, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर मी, एंड आई एम सो लकी टू यू नो उस तरह के दोस्त. और कभी गलती हो जाए आपसे, मेडिटेट किया करो. मेडिटेट डिफरेंट तरीके होते हैं.
कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, वो योगा करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। मेरी मेडिटेशन क्या है, जब मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ अपनी रनिंग पे या अपनी वॉक पे, ब्रिस्क वॉक रन, मैं 1 घंटा 25 मिनट लगते हैं इस गर्मी में मुझे, अबाउट 6 माइल्स आई डू। मैं वो जो 1.5 घंटा होता है ना, वो मेरे लिए प्लान करने का 1.5 घंटा होता है। मेरे दिल में क्या करना है, ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको मैंने कैसे ठीक करना है, इसको रिएक्शन क्या करना है। आई कम बैक टू एक अनदर क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। हाँ, गुस्सा मुझे भी बड़ा आता था, अभी कई दफा आता है, बट मैं यू नो मैंने सिंपल से प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। जब कोई गुस्सा मुझे आता है ना, याद रखना गुस्से में डिसीजन नहीं करना, कोई काउंट टिल 10, सिट डाउन फॉर 10 सेकेंड्स और कपल ऑफ मिनट्स, एंड देन री दोबारा विजिट करो उस डिसीजन को, उस गुस्से को, आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। दैट हेल्प्स मी। हैदर जमील म्यूजिक is am I hope I'm pronouncing it right. I believe managing phase is bigger art than anything else. How do you do it so smoothly? Here, Heather, I worked all my life. Every young kid when he comes into Pakistan, people, any sporting mulk to represent karta hai, wo famous hona chahta hai. And aur famous banda kaise hota hai? Jo uske fans hote hain, jo usne apne mulk ke liye kiya hota hai. So you have to be nice to your fans because you are there because of them. And जब you know ये celebrities कहते हैं मैं तंग आ गया हूँ fame से, they all lie. I promise you, they all lie, because nobody get tongue of fame. आप तंग हो जाते हो privacy से, ठीक है, अब अगर ये complaints नहीं होती, complaints होनी भी नहीं चाहिए, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि अभी भी लोग मुझे पहचानते हैं। Another question, फैजान नजीब से, we have seen a lot of young Pakistani players who lose focus very early in their career, especially this generation. Why is that so and what's the solution? हाँ, young Pakistani आते हैं, you know, आजकल आपने देखा हमारे young लड़के जो mostly आ रहे हैं, they're coming from mostly up north, या south Punjab side से, छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं, humble background से आ रहे हैं, and उनके जो इर्द गिर्द, उनके जो everybody wants well for them, but वो when they the Pakistan team से या आप किसी टीम से वापस आते हैं, दे गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, तो वहाँ उन्हें इवॉल्व होने का मौका नहीं मिलता, तो इवॉल्व नहीं होते। देखो, मैं अपने बच्चों को क्या कहता हूँ, पाकिस्तानी लड़कों, मैं कहता अंग्रेजी नहीं आए, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, बट कम अज कम उर्दू बोलनी सही सीख लो। उर्दू कैसे आएगी, जितना पढ़ोगे उतनी उर्दू आ जाएगी। उर्दू पढ़नी मुश्किल है, उर्दू पढ़नी नहीं आती, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बट अब जितना बोलते रहोगे, क्वेश्चन पूछते रहोगे, यार देखो हमारे कल्चर में ठीक है शर्म आती है, बट ये जो कहना कि मुझे शर्म आ रही है मैं सामने नहीं आऊंगी, तो लड़कियां कहती हैं लड़कों को शर्म किस बात की, हम लड़कों को मौके पे शर्म, जहां शर्म आनी चाहिए, जहां आती है कि लोग आगे शर्म आ गई, वैसे हम शर्मीले नहीं होते। सो इट्स अ एक्सक्यूज वी गिव, ओके, शाय पीपल आई अंडरस्टैंड, बट अगर आपने जिंदगी में सक्सेस करनी है तो शायनेस कमरे में बैठ के तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना। यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू मोटिवेट पीपल, यू हैव टू सोशलाइज विद पीपल, यू नो। और याद रखिएगा, थिंग्स वर्थ हैविंग डोंट कम इजी, यू हैव टू फाइट फॉर इट। अगर फाइट फाइट करके थक गए हो, टेक अ स्टेप बैक, इवेलुएट एंड देन फाइट बैक विद प्लानिंग। ये चीजें याद रखना, ये जिंदगी का मंत्र है मेरा अभी भी। हाउ टू स्टे पॉजिटिव, प्रैंकिश टाउन, ये नाम तो ठीक लग रहा बच्चों यार, आई एम किडिंग। हाउ टू स्टे पॉजिटिव, समटाइम्स वी गेट मोटिवेटेड बट लेटर ऑन वी demotivated and lost the progress. Winning is a habit, remember? And they'll be जीते जीते आप हारोगे भी, जब हारते हो तो उस हार से सीखो, उस गलतियों से सीखो, एंड देन मूव ऑन क्विकली। अगर आप गलती हो गई है या बिजनेस में नुकसान हो गया है, इजी सेड, किसी भी चीज में गलती इंसान से होती है, इंसान गलती के कठपुतली है, गलती हो गई है, so you evaluate your mistakes and then move on quickly, not linger on. Linger nahi karo, vent karna na, gussa aa raha hai, vent out to your friend, to your missus, to your ma, vent out karo and then let it go. Wo revenge, badla, chhodunga nahi, that's not gonna help. Another thing helped me a lot, forgive and forget and move on. ये तुम्हारा रिलीजन भी कहता है, माफी दो और मूव ऑन करो। ये बदले लेना, ये शोले शोले फिल्मों का काम है आजकल की जिंदगी में, बदले लेना, छोड़ूंगा नहीं, वो आप अपने आप की अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हो, बिकॉज इवेंचुअली योर हेल्थ विल बी अफेक्टेड। बदले आप प्लानिंग, बदले के प्लान में इतना कुछ अपनी एनर्जियां जाया कर दोगे कि आप अपने जो आपका रियल फोकस है, वो जो आपका रियल गोल है, वो आप भूल जाओगे। इवेल्यूएट करो, टेक अ स्टेप बैक,
वही ना, जैसे मैंने कहा, अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझे प्रॉब्लम है, होती है, बट मैं सॉल्व करता हूँ उनको. सॉल्व नहीं हो रही, मैं अपने दोस्तों से मशवरा लेता हूँ, देन आई वेट फॉर अ डे कि यार इसका भी हल निकल आता है, और अल्लाह मियाँ इवेंचुअली हल निकाल ही देता है. यू नो, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू गाइस. और क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर बताइए. इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग मैंने जिंदगी में किया नहीं, अकेला इतना बोलना. आई होप तुम आप लोग कुछ सीख जाओ मेरे बोलने से, मेरे एक्सपीरियंस से, कि क्या होगा. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फहद ताहिर का आया क्वेश्चन, व्हाट इज योर मंत्रा फॉर हैंडलिंग फेलियर्स एंड इफ यू कैन शेयर वन एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ एंड हाउ डू यू मैनेज टू ओवरकम इट. हाँ फहद, मैं अभी बता रहा था कि मेरा मंत्रा बड़ा सिंपल है. अगर मैं फेल हो गया हूँ, परफॉर्मेंस नहीं हुई क्रिकेटिंग मैच में, या बैड डे इन कॉमेंट्री और वट एवर, आई वॉज इट ऑन द मार्क, आई कम बैक होम, आई थिंक अबाउट इट फॉर, आई गिव 15 to 20 मिनट्स, पेन एंड पेपर मेरे साथ होता है, ये मेरी गलतियां हुई है और मैंने इनको कैसे इम्प्रूव करना है, एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे. मैं दोबारा उसको याद नहीं रखता, यार गलती हो गई, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तो कहना है. रिमेंबर, यू कांट मेक एवरी वन हैप्पी ऑल योर लाइफ, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल, इट रियली इज. तो कई लोग आपसे जिंदगी में खुश होंगे, कई लोग आपसे अपसेट होंगे. माइट इज वेल, गुड लक, आई एम सॉरी इफ आई मेड यू अपसेट, बट यू गॉट मूव ऑन, डोंट टेक इट ऑन योर हेल्थ मैन, हेल्थ इज वेल्थ. जान है तो जान, जान है तो जहान है. यू नो, आई गिव यू माई वन सिंपल एग्जाम्पल. मैंने भी सोच रहा था, लोग बड़ा पूछते हैं कि यॉर्कर आप कैसे सीखे. आई थिंक 1986 एशिया कप था हमारा इन श्रीलंका, और मैं आखिरी ओवर स्किपर ने इमरान भाई ने मुझे दिया. कोलंबो से बाहर एक ग्राउंड है, वहां पे मैच था ये, और सांथा डिमेल टेल एंडर था, नंबर 8-9 का बैट्समैन था, बॉलर था बेसिकली श्रीलंकन, वो आया. तो मैं तब 86 में, आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, अब मैं आके उसे पहले लेंथ बॉल किया चौका, तब यॉर्कर नहीं था सीखा, दूसरा लेंथ बॉल किया चौका, फिर आके बॉल किया फिर चौका, फिर आके बॉल किया फिर चौका. सो हिट मी 4 fours on 4 deliveries. इमेजिन मी 18 इयर्स ओल्ड एंड विद इमरान खान स्टैंडिंग एंड मिडॉन, मियां दाद, ऑल दीज ग्रेट्स वर देयर. आई वाज वेरी एंबैरस्ड विद मायसेल्फ. देन आई आस्क्ड आफ्टर द गेम टू मुदस्सर नजर एंड इमरान भाई. मुदस्सर वाज अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड. मैंने कहा स्किपर मुदीपा, ये मुझे 4 चौके पड़े हैं, इसकी रीजन क्या है? उन्होंने कहा वैज, इसकी रीजन ये है कि तुम, तुम्हारे पास यॉर्कर नहीं है. तो मैंने कहा स्किपर वो मैं कैसे सीखूं? कहते हैं अगले दिन आओ नेट में लेके, वो और मुदस्सर भाई दोनों मुझे, एक उन्होंने 3 विकेट्स लगा दी नेट में और मुझे कहा कि तुम इस विकेट के टॉप का निशाना करो. मैंने कहा टॉप का निशाना करूँ? आई डोंट गेट इट. उन्होंने कहा जब विकेट की टॉप का निशाना करोगे, ट्रेजेक्ट्री जब हाई आर्म एक्शन आएगा ऊपर से, तो आके नीचे उसकी बेस पे लगेगा. इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी एट द टाइम. सो देन आई स्टार्टेड बोलिंग. आई थिंक उसके 2 दिन बाद हमारा फाइनल था, कि सेम मैच था एशिया कप का श्रीलंका से. अब मैं, 2 दिन थे मेरे पास, मैंने पहले 1 घंटा यॉर्कर अकेला करता रहा. अकेला बॉलिंग करना बड़ा बोलिंग होती है, बोरिंग होता है. बैट्समैन हो तो मजा आता है, आपको प्रैक्टिस कर रहे हो, ये हो रहा है, यू नो, आउट कर रहे हो, चीखे मार रहे हो. के बोलिंग स्टम्प्स को करना इज वेरी वेरी बोरिंग बाय द वे गाइस, जस्ट लाइक पटिंग. इफ यू प्ले गोल्फ, यू नो पटिंग इज वो सबसे बोरिंग वो लगता है, पटिंग हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है. सो हैंड सेम इन बोलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट गो टू डिलीवरी लास्ट ओवरों में, शॉर्टर फॉर्मेट में इज यॉर्कर. सो मैंने घंटा एक बोलिंग की, घंटा श्रीलंका की गर्मी में 36 38 डिग्रीज, 98% ह्यूमिडिटी. आई बोल्ड एंड इवेंचुअली गॉट द हैंग ऑफ इट लिटिल बिट. अगले दिन फिर आया, आई डिड द सेम थिंग. जिस मैंने कहा जी बैट्समैन को बोलिंग करनी, मुझे आप साइड पर बोलिंग स्किपर करने दें, नया गेंद भी दे दें और पुराना गेंद भी दे दें, ताकि मैं आधा पौना पौना घंटा दोनों से करूँ. यॉर्कर पे थोड़ा आइडिया हो गया, अच्छा यार निशाना वहां का करूंगा तो नीचे आएगा. और अगले दिन मैच में मैंने आई थिंक 4 आउट किए थे, और उसमें से 2 से 3 यॉर्कर पे बोल्ड किए. सो ये मैं 2 दिन की प्रैक्टिस बता रहा हूँ. उसके बाद आई हैव लर्न अ लॉट एज फार एज यॉर्कर इज कंसर्न, एज फार एज आउटस्विंग कंसर्न. वो इवेंचुअली आपको आगे जाके बताऊंगा, बट दिस इज यू नो, फिर आउटस्विंग कैसे सीखा ये भी बताऊंगा. और नया नया जब मैं आया था, मैं नंबर 11 का बैट्समैन था, बल्ला भी पकड़ना, अब स्कूल में तो मैं ओपनर था, बट यहाँ पे तो बल्ला पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट देन स्कूल क्रिकेट मैन. सो आई वाज नंबर 11, सो आई थॉट यार मैंने बनना, तो मेरा गोल हमेशा रखो नंबर 1 होने का. अगर गोल तुम्हारा होगा कि जी मैं बेर मिनिमम पास हो जाऊँ, तो बेर मिनिमम पास हो गए या फेल हो जाओगे. अगर तुम कहोगे कि मैंने 800 नंबर ले लें आउट ऑफ 800, तो तुम खत्म करोगे 700 पे. उस तरीके से, बिकॉज आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि मैंने इतनी मेहनत करनी है कि मैंने नंबर 1 आना है. मेरा गोल था इमरान खान, जावेद मियांदाद,
मेरा गोल नहीं था कि मैं सिर्फ टीम प्लेइंग 11 में जगह बना लूं। कई प्लेयर आते हैं जो कि यार मैं अगला मैच मेरा पक्का हो जाए, मेरा अगला मैच का नहीं था, मेरा अगले 20 साल मेरे पक्के हो जाए। सो ये था मेरा गोल। एक और क्वेश्चन आया, मेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू ग्रो एज अ पर्सन, हु हैज बीन योर मेंटर्स एंड व्हाट फेजेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल कामिल, बड़ा क्रूशल क्वेश्चन है। मैंने जिक्र किया अभी मेरे मेंटर्स, उस्ताद स्लैश उस्ताद, जब मैं टीम में आया, मुदस्सर भाई थे, जावेद भाई थे, इमरान भाई, ये तीन बंदों ने मेरी बड़ी हेल्प की है ऑन एंड ऑफ द फील्ड में। जितना भी इनका शुक्रिया अदा करूँ बड़ा कम है। जो मेरे जेहन में क्वेश्चन होता है क्रिकेट रिलेटेड, ऑफ द फील्ड रिलेटेड, यू नो, शाम को खाने पे घर जाना रिलेटेड, ये क्या होता है, आई लॉट ऑफ क्वेश्चन। मुझे बाहर के कल्चर का बिल्कुल नहीं था पता। इमरान भाई से मैं क्या सीखा, ऑन एंड ऑफ कैसे बिहेव करना है, अंग्रेजी कैसे बोलनी है, अपने आप को कैरी कैसे करना है, किस तरह के दोस्त, शुरू में गलतियां हुई दोस्त बनाने में मेरे से, श्योर, नो डाउट, आई लर्न, आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लाइक आई सेड, एवरीबडी मेक मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, बट आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जावेद भाई से मैंने क्रिकेट आउट ऑफ द थिंकिंग आउट द बॉक्स सीखी, स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखी, कि यू नो वो कई दफा क्या करते थे कि थर्ड स्लिप को बिल्कुल ऊपर ले आते थे, मैंने कहा इसको बॉल लग जाएगा, कह रहे कोई बात नहीं, ये इसका कैरी नहीं हो रहा, थर्ड स्लिप कैरी करेगा, और काफी दफा आउट कराया, कई फील्डरों ने मेरे लिए लेग स्लिप पे ले लिया, मैंने कहा इसको मैं बॉलिंग ऑफ स्टंप के बाहर कर रहा हूँ, कह रहा है। अब यू नो यंग बॉलर्स मेरे से पूछते हैं कि जी, मैं कहा एज अ बॉलर हमारी जॉब क्या है, जावेद भाई का कोट है, एज अ बॉलर कहते हैं वैस तुम्हारी जॉब है टू क्रिएट अ डाउट इन बैट्समैन माइंड, सो जब डाउट आएगा उसके माइंड में, दैट्स वेयर ही विल मेक अ मिस्टेक। अब मैं आजकल देखता हूँ बॉलर्स आते हैं छिके पे छिक्का पड़ रहा है, उसी रनअप से भागी आ रहे हैं, भागी आ रहे हैं, ना एंगल चेंज कर रहे हैं, ना रनअप चेंज कर रहे हैं, ना क्रीज यूज कर रहे हैं, ना वेरिएशन कर रहे हैं। सो मैं क्या करता था, मैं कभी अंपायर के अराउंड द विकेट आके अंपायर के पीछे से भाग के निकलता था कि बॉल बैट्समैन को एंड में बॉल नजर आए, बॉल छुपा लेना, ये बैट्समैन सोचे क्या करना चाह रहा है। अपना रनअप मेरा ऐसे था ओवर द विकेट, तो मैं टेढ़ा हो जाता था, कभी अंपायर के ऐसे हो जाता था, बॉल मैंने वही करनी है outside the off stump kind of thing, in swing, out swing. But batsman ke zehen mein dalna hai ki bhaiya ye karna kya cha raha hai, what is he trying to do, and that's where you created a doubt. So young bowlers ko ye kehta hu ki jab maar pade na to tab tak game ko thoda slow karo, don't come in rush karke bowling karoge, because sochne ka mauka aapke paas kam hota hai, time bada hota hai, so just slow down the game a bit, slow down everything, and then think, and then evaluate, and then move on. आई थिंक मैं जिंदगी में अकेला लड़को इतना नहीं बोला होगा, 32 मिनट 22 सेकंड से बोल रहा हूँ अकेला। और एनी मोर क्वेश्चंस, आई होप आपने मेरी चैट इंजॉय की हो। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। कुछ सब्जेक्ट आपके पास है तो प्लीज हमें भेजिए, और क्वेश्चंस भी तैयार रखिए, बिकॉज इवेंचुअली ये कोशिश करूंगा मैं 40 से 45 मिनट आप लोगों से बात करूँ। आज टेस्ट रन था मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त ये आइडिया निकाला है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें लोगों से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं हर टूर बाय टूर बताता रहूंगा कि उस टूर पे क्या हुआ, और कुछ चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए, कुछ मेमोरीज हैं मेरे पास आपको वो दिखाऊंगा। सो यू नो मेडल्स हैं मेरे पास बहुत सारे जो मैंने खुद नहीं देखे 20 सालों से, तो आपको दिखाते दिखाते मैं खुद भी देख लूंगा। आई हैव सम फनी स्टोरीज अबाउट ऑल द मेडल्स आई वन फॉर पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स आई हैव लॉट ऑफ ट्रॉफीज लाइंग डाउन देयर, इंशाल्लाह किसी दिन वो भी पिक करूंगा आपको दिखाऊंगा। मैन ऑफ द मैचेस के बड़े सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। अवैस बेग का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स, दोबारा प्लीज दिखाइएगा अवैस क्वेश्चन, मैं पढ़ नहीं सका। व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन दिस पॉडकास्ट। वैस आई सपोज आप लोग अगर आइडियाज दोगे तो हम उस पे टॉपिक पे ही बात करेंगे। काफी टॉपिक्स आ जाएंगे किसी तरह के, यू नो मोटिवेशन के आ जाएंगे, स्पेशली इन दिस टेस्टिंग टाइम्स, यू नो ये आई विल बी 54 इन सून, लाइक आई सेड, मैंने इस तरह की कोई चीज देखी नहीं अपनी लाइफ टाइम में, और आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी इस तरह का, यू नो द वर्ल्ड इज स्टूड स्टिल, नोबडी इज मूविंग, एवरीथिंग, यू नो डेली वेजेस हमारे यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, दीज गाइज आर स्ट्रगलिंग, एंड टॉपिक्स यू गाइज यू पिक एंड यू टेल मी, आई टॉक अबाउट टॉपिक्स, व्हाटएवर यू हैव डिस्कशंस, एंड कीप योर क्वेश्चंस रेडी, एंड आई थिंक इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, इट शुड समथिंग फन, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, आई डोंट वांट टू यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप किताब क्यों नहीं लिखते। यार अगर मैं किताब सच्ची लिखूँ ना, जो जितना कुछ मुझे पता है पाकिस्तान क्रिकेट का ऑन ऑफ द फील्ड, आई प्रॉब्ली विल अपसेट लॉट ऑफ पीपल, अप रून लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। दिस अ अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट, जिंदगी में कुछ अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो ये होते हैं ट्रस्ट और लॉयल्टी। गाइज रिमेंबर, ये दो चीज़ें जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि ट्रस्ट क्या होता है, लॉयल्टी क्या होती है. वो छोटी सी फेम के लिए आके झूठ बोलते हैं और बाकियों की जिंदगी खराब करके निकल जाते हैं. सो आई डोंट वॉन्ट टू राइट अ बुक. आप कोई बुक में लिख लेंगे आपको सब चीजें इसी पॉडकास्ट पे बताऊंगा. आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया हो. 35 मिनट हो गए, द हाईएस्ट सो फार वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मी कि मैंने 35 मिनट अकेले बोला. सो आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी. और प्लीज सेंड इन द टॉपिक्स ऑन बी स्पोर्ट्स. आपको यू नो जो जो टॉपिक्स आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, और जिन टॉपिक जिन जिन सिचुएशन से जिंदगी में मैं गुजरा हूँ, और मैं बाय द वे बहुत सिचुएशन से गुजरा हूँ और अभी भी गुजर रहा हूँ, एंड हाउ डू आई टैकल इट. स्पीक टू यू इन नेक्स्ट एपिसोड. प्लीज स्टे ट्यून्ड. सी यू सून इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.